नमस्कार, मैं बहन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं बहन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं, जिनकी टाइपिंग 26 जून को लगी हुई है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके 1750 की स्ट्रोक टाइप नहीं हुए तो क्या पास होंगे या फेल होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपको 1750 से ज़्यादा की स्ट्रोक का कंटेंट मिलता है तो आपको कितने की स्ट्रोक कम से कम टाइप करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कितने कीबोर्ड से मिनिमम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आप एग्ज़ाम जब देने जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइपिंग अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो चाहे आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हों, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और टाइपिंग इस बार और ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको टाइपिंग के लिए टाइम मिल जाता था, अब जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होगा उसके एक घंटे के बाद आपको टाइपिंग देनी है। तो टाइपिंग अच्छे तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस करके जाना है और जिस तरीके का वहाँ पर इंटरफेस मिलेगा वैसा ही कंटेंट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने इसका प्राइस और कम कर दिया है। अब ये कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है आप केवल और केवल 99 रुपये में परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से डेमो लीजिए। और डेमो लेने के बाद अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल है तो ये जो प्लान है इसमें आप जो है 250 जो पैसेज हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो 250 पैसेज हैं ये सारे के सारे एक्चुअल सीएचएसएल सीजीएल एग्ज़ाम में आए हुए पैसेज हैं। उसके अलावा ये जो हमने सॉफ्टवेयर दिया है इसका बिल्कुल इंटरफेस एसएससी के जैसा है। जो फॉन्ट साइज़ है उतना ही जितना एसएससी में दिया जाता है। जिस तरीके से कंटेंट 3 बार स्क्रॉल करना पड़ता है तब टाइप होता है, वैसे यहाँ पर टाइप होता है। तो डेमो जो है वो बिल्कुल फ्री है, डेमो ज़रूर लीजिएगा, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिया है। और 99 रुपीज़ में आप 99 रुपीज़ वाला प्लान ले सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और 99 रुपीज़ में आप 250 जो पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक पैसेज की जो कीमत है वो 50 पैसे से भी कम आपको पड़ रही है। और अगर आप इतने पैसेज प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डेमो लेने में तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके अलावा पेमेंट करने के बाद भी आपको स्क्रीनशॉट और अपना नाम जो है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको लॉगिन कर दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि अगर आपके 1750 की स्ट्रोक टाइप नहीं हुए तो आप पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है। देखो, आपको 1750 की स्ट्रोक करने हैं। एसएससी क्या करती थी, 2017 में जब मैंने दिया था टाइपिंग तो उन्होंने 1800 भी की स्ट्रोक दिए, किसी को 1900 भी की स्ट्रोक दिए, इवन 2000 या उससे ज़्यादा भी की स्ट्रोक एसएससी ने दिए। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि एसएससी आपको 2000 की स्ट्रोक देता है या 1900 की स्ट्रोक देता है तो आपको मैक्स से मैक्स 1800 की स्ट्रोक तक करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि जो आपके स्ट्रोक काउंट होंगे वो 1750 तक ही काउंट होंगे। उसके बाद चाहे आप मतलब सही करो या गलत करो उससे कोई दिक्कत नहीं। एसएससी जो काउंट करती है वो 1750 तक करती है, तो मैक्स मैक्स आप 1800 तक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कितना एरर जो है अलाउड है। देखिए, डीईओ की जो इस बार जो पोस्ट है वो 5 है, बाकी जितनी वैकेंसी हैं वो आपकी एलडीसी जेएसए और जेपीए की हैं। तो जितने भी बच्चे, मोस्टली जो बच्चे हैं वो एलडीसी की टाइपिंग देंगे, तो एलडीसी की जो टाइपिंग होगी वो 10 मिनट की होगी, ठीक है। इसमें आपको 1750 की स्ट्रोक टाइप करने होते हैं। अब आपको जो छूट मिलती है, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपको 7% की छूट मिलती है। अगर आप अदर कैटेगरी के हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यू हैं, कोई भी हैं, तो आपको 10% की छूट मिलती है। तो 7% अगर हम बात करें तो 1750 का 7% यानी कि 17 × 7 = 119, 120 की स्ट्रोक अगर आप मान लो तो 0361, यानी कि अगर आपके 1630 की स्ट्रोक अगर सही होते हैं तभी आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर ले जाओगे। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें तो 1750 में आप 175 की स्ट्रोक माइनस कर दो तो 5, और यहाँ पे कितना बचा, 14 में से 7 गया तो कितना बचा, 7, और यहाँ पे 5 1, यानी कि अगर आपके 1575 की स्ट्रोक अगर अदर कैटेगरी के हैं तो आपके अगर 1575 की स्ट्रोक भी सही हैं, बिल्कुल सही हैं कटने पिटने के बाद, तो आप तब भी टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 1630 अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल, तभी आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस पर फोकस करना है कि 1750 के 1750 आप अच्छे तरीके से
यहाँ पे प्रैक्टिस करो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतना भी मिनिमम अगर आप कर लेते हो तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जो आपको छूट मिल रही है वो छूट माइनस होने के बाद आपके इतने की स्ट्रोक आने चाहिए। इसमें चाहे आप लाइन मिस करो, चाहे मिस्टेक करो, चाहे लाइन रिपीट करो, इससे एसएससी को कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ओवरऑल जो भी आपने मिस्टेक की है उस मिस्टेक को कैलकुलेट करने के बाद आपके एग्जैक्ट यूआर कैटेगरी से 1630 की स्ट्रोक सही होने चाहिए, अदर कैटेगरी वालों के 1575 की स्ट्रोक सही होने चाहिए, तो आप टाइपिंग क्वालिफाई कर ले जाओगे। लेकिन आपको फोकस अभी करना है 1750 पे। आप टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहते हो तो कम से कम आप देखो वहाँ पे तो 35 की स्पीड चाहिए, लेकिन कम से कम आप 40 की स्पीड लेके जाओ तभी आप टाइपिंग क्वालिफाई कर पाओगे। और फोकस करना है कि 1750 या 1800 मैक्स आप टाइप करो। अभी जो कंटेंट आपको मिल रहा है, पिछले साल जो एसएससी ने कंटेंट दिया उसमें उन्होंने फिक्स 1750 की स्ट्रोक दी है, ठीक है। तो आपको लास्ट तक जो कंटेंट है वो अपना प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में एक मिनट आप धीरे धीरे टाइप करो और उसके बाद फिर आपकी रिदम बन जाएगी, फिर आप आराम से जो है चीज़ें कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कीबोर्ड की कि कितने कीबोर्ड से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखिए कम से कम आपको दो कीबोर्ड जो हैं वो आपको यूज़ करने ही करने। एक आपका हार्ड की वाला होना चाहिए और एक आपका सॉफ्ट की वाला होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे हार्ड की वाला मिले तो फिर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सॉफ्ट की वाला मिले तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और बहुत ज़्यादा महंगा कीबोर्ड आपको उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड जो है वो आप बहुत महंगे मत लो, सस्ते कीबोर्ड लो और उस पर प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब आप मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे कीबोर्ड से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जब अच्छा कीबोर्ड आपको मिलेगा तो वो आपको और भी और आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। तो मिनिमम आपको दो कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है, एक हार्ड की वाला और एक सॉफ्ट की वाला, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो कंटेंट आएगा आपका वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। ये CHSL 2021 का आपका पैसेज है, ठीक है। ये जितने भी पैसेज हैं ये हमने आपको इस सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करा दिए हैं। CHSL 2021 तक के पैसेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसा ही कंटेंट आपका आएगा, आपको लाइन वगैरह चेंज करने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिक कीज स्पेशल करेक्टर नाम मात्र के होंगे, न्यूमेरिक कीज एक दो हो सकती हैं, बाकी स्पेशल करेक्टर बिल्कुल नहीं होंगे। जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल फ्लो में होगा, आपको फ्लो में टाइप करना है, ठीक है। आपको इस जो टैप की वगैरह है इसको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट जो होगा वो बिल्कुल फ्लो में होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कंटेंट होगा। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, रिपीटिशंस ऑफ नंबर, रिपीटिशंस ऑफ अल्फ़ाबेट, ये देख रहना। ये शुरुआत से भी हो सकता है, ये लास्ट से भी हो सकता है। जहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं पे आपकी लाइन मिस होने की या रिपीट होने की गुंजाइश रहती है, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि आप जब कंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पैनी निगाह से प्रैक्टिस करो और एक मिनट शुरुआत का धीरे धीरे टाइप करो, उसके बाद आपकी रिदम बन जाएगी, फिर आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो। बाकी इतना अगर आप मिनिमम कर देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने पे फोकस करो। जब आप ज़्यादा पे फोकस करोगे तब इतना कर पाओगे। तो 35 की स्पीड चाहिए, कम से कम 40 की स्पीड आप लेके जाओ, ठीक है। और कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो चीज़ें आप कर लोगे। बस आप ये सोच के जाओ कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और दूसरे पे पड़ोसी पे फोकस नहीं करना है कि पड़ोसी धीमे टाइप कर रहा है या तेज़ टाइप कर रहा है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप आराम से क्वालिफाई करके आओगे। बाकी दो कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी, एक हार्ड की और एक सॉफ्ट की वाला कीबोर्ड, ठीक है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप टाइपिंग पे दो, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर पे भी आधा घंटा आपको डेली टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो इतना आप अगर टाइप कर लो कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। अदर कैटेगरी के हैं तो इतना अगर आप टाइप कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। जो कंटेंट आपको मिलेगा वो बिल्कुल फ्लो में होगा, सिंपल कंटेंट होगा। तो ऐसे ही कंटेंट को अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वही कंटेंट टाइप करो जो आपका आया हुआ है, और आया हुआ कंटेंट ही इतना है कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हमने जो आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है इसमें हम आपको 250 जो आए हुए पैसेज हैं CHSL CGL के वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसका जो प्राइस है हमने आपके लिए 99 रुपीज़ रख दिया है, यानी कि ये जो प्राइस है इसमें आप 26 जून तक जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आप इसे एक्सेस कर सकते हो। और 250 के 250 पैसेज आप एक दिन में चाहो तो एक दिन में टाइप कर सकते हो। उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर है वो जिस तरीके से एसएससी स्पीड काउंट करती है वैसे ही काउंट करता है, और एक्चुअल स्पीड ये बताता है आपको। अदर जो सॉफ्टवेयर है उनमें कमी क्या है कि वो आपको एक्चुअल स्पीड नहीं बताते। उसके अलावा हमने यहाँ पे पैसे सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं रखा है। पैसे जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको पैसे याद हो जाता है, यहाँ पे पैसे रेंडमली आएगा तो इससे पैसे आपको याद नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे
और बेहतर तरीके से आप टाइपिंग अपनी मतलब स्किल को और बढ़ा सकते हो, और इस पे प्रैक्टिस करने के बाद 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आओगे। अगर आप इतने पैसे लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको टाइपिंग में कोई फेल नहीं कर सकता, और मिनिमम प्राइस में हम आपको ये दे रहे हैं 99 रुपीज़ का, मतलब 50 पैसे से भी कम एक पैसे आपको पड़ रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, डेमो लीजिए। डेमो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से जब डेमो देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।